हे डियर चैम्स, कैसे हो आप लोग। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स एक ट्यूटोरियल बनाया। इसके अंदर भाइयों हम लोग ना सब कुछ कवर करेंगे व्हाट मैटर्स। मैंने पता है पूरी लिस्ट को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, द बेसिक्स एंड द गेम चेंजर। मैंने इस वीडियो में पूरा द बेसिक्स कवर किया है और मैं आपको गारंटी करूंगा इस चीज़ के बारे में, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग जो शायद आपको ना पता हो, पर मैंने यहाँ पे सारे बेसिक्स कवर किए हैं। इस वीडियो पे अगर आप खूब सारा सपोर्ट हमें दिखाओगे, 10K लाइक्स, 1K कमेंट्स, मैं वो सारे गेम चेंजर टॉपिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। अभी बस वीडियो शुरू कर रहा हूँ ना, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने बताए कि इस वीडियो में बेसिक्स क्या कवर हो रहे हैं और अगले वीडियो में हम वो जो गेम चेंजर टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक, द रियल गेम, द रियल थिंग जो आपको और आपके दोस्त में फर्क क्रिएट करेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, राइट। तो इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बना दिया फिर, है ना। खूब सारी मेहनत लगी यार, कुछ दिन रिकॉर्ड करना पड़ा, पहले लग रहा था एक ही दिन में हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखो प्रैक्टिस करो, पॉज करो, प्रैक्टिस करो, पॉज करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स हाउ यू डू इट। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, मैंने आगे जाके कई जगहों पर यह बोला है कि मैं आपको उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनवाना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहता हूँ, लूप से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहता हूँ, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं रियल लाइफ में ये बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताओगे कि तुम लोग सीखना चाहते हो, वी विल मेक प्रोजेक्ट्स, वी विल मेक ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर बोली है, राइट। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाई, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ तक आए। स्टे विथ मी हियर एंड पढ़ेंगे बढ़िया से, मजा आएगा, लेट्स गो। अरे छोड़ो यार, तुम जावास्क्रिप्ट कहाँ लगे भैया, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करके। मुझे देखो, तुम क्यूट स्माइल, बकवास कर रहा हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं। तो आज की वीडियो में भाइयों जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो आज हमें पढ़ना है, दैट्स अलॉट, मेरे पास पूरी लिस्ट है और ये वो लिस्ट है। तो लिस्ट पढ़ने से पहले बात सुनो, दिस वीडियो इज अबाउट जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, इट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट व्हाट मैटर्स। तो क्या कुछ और भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, जावास्क्रिप्ट बड़ी चीज़ है, HTML CSS के कंपैरिजन जावास्क्रिप्ट थोड़ी बड़ी है। और मेरी बात सुनना अब, इंपॉर्टेंट, हाँ इधर 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 सुनो। JS में हमने इस पूरी लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, माइनस एंड डबल माइनस। तो ये माइनस क्या है? माइनस इज लर्न व्हाट मैटर्स, द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, द कोर, द फंडामेंटल, ठीक है। और जो डबल माइनस है मेरे प्यारे भाई, दैट इज ऑल अबाउट द बिग गेम, द बिग गेम चेंजर स्टफ, द गेम जो आप में और आपके दोस्त में फर्क क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो भी डबल माइनस टॉपिक्स हैं, दोज आर दोस टॉपिक्स जो एक नंबर टॉपिक्स हैं, राइट, यू विल लव देम, बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द गेम। इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल द माइनस टॉपिक्स एंड नॉट द डबल माइनस टॉपिक्स। ऐसा क्यों भैया, इतना आतंक क्यों? उसका रीजन ये है, क्योंकि ये जो माइनस टॉपिक्स है मेरे प्यारे भाई, दीज माइनस टॉपिक्स आर ऑल अबाउट द बेसिक्स। इस वीडियो में वी आर लर्निंग लर्न व्हाट मैटर्स, एंड वो जो डबल माइनस टॉपिक्स हैं, दोज आर द एडवांस पार्ट, या कह सकते हो दोज गेम चेंजर थिंग्स जो सबको नहीं पता होती, राइट। विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जावास्क्रिप्ट पे, वो एडवांस नेक्स्ट वीडियो तब आएगा जब इस वीडियो पे आएंगे 10K लाइक्स एंड 1K कमेंट्स। फटाफट जाके उस पे करो एक लाइक, एक बढ़िया सा कमेंट करना वीडियो देखने के बाद, अगर सेटिस्फाई होना तो ठीक है, पर करना जरूर। सोचो मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो यार प्लीज सपोर्ट मी, राइट। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग जो इस लिस्ट में पढ़ेंगे, दैट इज JS, नहीं JS नहीं, हम पढ़ेंगे वर्ड वर्सेस कीवर्ड, क्योंकि पूरी JS है, वर्ड वर्सेस कीवर्ड, लेट्स गो। तो वर्ड वर्सेस कीवर्ड, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमें ये जानना है इनमें फर्क क्या होता है। वर्ड और कीवर्ड में कोई फर्क होता है? बिल्कुल होता है। एक ऐसा वर्ड, ध्यान से सुनो, इधर देखो, एक ऐसा वर्ड जिसमें, जिसका कोई मतलब नहीं है JS में, दिखाता हूं, चाचा, चाचा एक वर्ड है, क्या इसका मतलब JS में कुछ है? नहीं है, दैट्स अ वर्ड, ये एक वर्ड है, और कंपाइलर इस वर्ड को नहीं समझता। अब ये कंपाइलर कौन है? कंपाइलर इज द गाय जो आपके कोड को चलाता है, कोई तो चलाएगा कोड को, तो इस लाइन को कोई तो चलाएगा, जो चलाता है वो इस वर्ड को नहीं समझता, उसका नाम क्या है? कंपाइलर। वो इस वर्ड को, अब बाय द वे एक देखो, मैं जो अब अगली बात बता रही हूँ, ये बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसाइज करने आए होंगे। मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर नहीं, इंटरप्रेटर होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पढ़ने के लिए सीखो, हो सकता है मुझसे कुछ सीख लो, क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होता दोस्त, आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज़ मत करो, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक वर्ड चाचा, क्या ये वर्ड चाचा जावास्क्रिप्ट में कोई मतलब रखता है? नहीं, दैट्स अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, ठीक है,
कम ऑन, बढ़िया। अब एक वर्ड और हम लेते हैं, फॉर। फॉर नाम का एक वर्ड है, क्या ये जावास्क्रिप्ट में कोई मतलब रखता है? हाँ। क्या हम ये पढ़ेंगे? हाँ। फ्यूचर में? हाँ। फॉर कुछ होता है? हाँ। क्या होता है? लूप। ये क्या होता है? बाद में। ओके, फॉर कुछ होता है, हाँ, तो फिर वो क्या है? कीवर्ड। ओके, नाइस। तो ऐसा कुछ भी जिसका कोई मतलब होता है, दैट इज अ कीवर्ड। यस माय फ्रेंड। और ऐसा कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ वर्ड। ओके कूल। तो भैया, अगर मैंने भैया लिखा जावास्क्रिप्ट में, तो ये वर्ड है या कीवर्ड है? खुली भाषा में ये वर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भैया जैसा कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया हर्ष, मैंने लिख दिया इज, मैंने लिख दिया गुड, मैंने लिख दिया बॉय। बॉय तो नहीं, अब मैन हो गया हूँ, तो हर्ष इज गुड मैन, आई एम नॉट श्योर, लेट्स गो। तो मैंने बोला हर्ष, ये तो वर्ड है, इज भी वर्ड है क्योंकि इस नाम से जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता, गुड भी वर्ड है क्योंकि इस नाम से भी कुछ नहीं होता, मैन नाम से भी कुछ नहीं होता, ऑल ऑफ दीज आर वर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ फॉर, मैं लिख देता हूँ इफ, मैं लिख देता हूँ एल्स, कम ऑन, मैं लिख देता हूँ वेयर, मैं लिख देता हूँ, क्या हो गया मेरे कीबोर्ड को आज? थैंक यू कीबोर्ड, खूब सारी हेल्प कर रहे हो, फुल बेइज्जती करा रहे हो, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? ठीक है, नाइस। तो अब सुनो, ये जो फॉर है, दिस इज कीवर्ड, इफ इज कीवर्ड, एल्स इज कीवर्ड, वेयर इज कीवर्ड, लेट इज कीवर्ड, द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव सम मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट माय फ्रेंड। ठीक है, हैव सम मीनिंग। सो वर्ड वर्सेस कीवर्ड इज एक्सट्रीमली इजी। एनीथिंग विच डजंट हैव एनी मीनिंग, दैट इज अ वर्ड, एंड एनीथिंग विच हैज सम मीनिंग इन द लैंग्वेज इज अ कीवर्ड, सिंपल एज दैट। प्रीटी डोप, लेट्स गो। तो हमने अभी जो कवर किया, दैट इज वर्ड वर्सेस कीवर्ड, लेट्स गो फॉर चेक एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेयर कॉन्स्ट एंड लेट। फटाफट इसको खत्म करेंगे, वेयर कॉन्स्ट लेट। वोल्टेज बहुत तेजी से डैम हो रहा है, एंड यार हमारे पास ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, देखो जो बात है, ठीक है, वी आर इन आवर बिगिनिंग स्टेज। अगर हमें लोग सपोर्ट करेंगे, वील बी लाइक बिग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वोल्टेज फुल आ गया, वील बी बिग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान मैं अभी नहीं बताऊँगा, नहीं तो कोई ना कोई से चोरी कर लेगा। बात मुझे चोरी से थोड़ा सा कम डर है, मुझे डर यह है कि चोरी भी करेगा और उसे बहुत बहुत सस्ते लेवल पर करेगा, दिल टूट जाएगा मेरा। मॉडर्न गुरुकुल से रिलेटेड कुछ है, बस इतना समझो। कल जब हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मालिक ने चाहा तो ज़रूर होंगे, अगर तुम लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो ज़रूर अमीर होंगे, तो हम एक मॉडर्न गुरुकुल खोलेंगे जहाँ पे पढ़ाई फ्री होगी, खाना फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, बच्चों का काम होगा सिर्फ पढ़ना, और पढ़ाई वो कराएंगे जो हमें, जो मैंने फील की थी कि होनी चाहिए। लेट्स गो, वेयर कॉन्स्टेंट लेट। सो अब हम जो कवर करेंगे, इसका नाम वेयर कॉन्स्टेंट लेट है, लेकिन उससे पहले हमें जो कवर करना है उसका नाम है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स माय फ्रेंड। बिना इसके वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। इधर इधर सुनो सुनो, इधर देखो पहले, नो इधर देखो, सुनो। हमने एक गेम खेला, गेम मारियो, पबजी, और कौन से होते हैं वेदांत, एक आध गेम का नाम बताओ, चेस। ठीक है, हमने कोई गेम खेला, हर गेम में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कोर, स्कोर, राइट, स्कोर। आपने क्या स्कोर किया है? यूजुअली कॉम्बैट गेम्स में आपको स्कोर दिखता है, सही है, लाइव्स, लाइव्स बाय डिफॉल्ट 3 लाइव्स आपको मिली है, स्कोर, राइट। और जब जब आप एक किल करते हो, स्कोर बढ़ता है, और जब जब आप डाई होते हो, लाइफ घटती है, राइट। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, आप एक और बार मर गए, खत्म गेम, और प्रिंट होता है यू डाइड, द फाइनल स्कोर वॉज 7, हाँ या ना? अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। प्रोग्राम मतलब कोड, तो हम लिख सकते हैं कोड, कोड में कोई भी डेटा, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए जिसका यूज होता है उसे कहते हैं वेरिएबल। तो हिंदी में, अगर तुम्हें कोड में कुछ स्टोर करना है, तेल लेने जाए तुम्हारे सारे 2000 लाइन के प्रोग्राम्स, तेल लेने जाए तुम्हारे 500 लाइन के प्रोग्राम्स, आई रियली डोंट केयर। देखो, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कीप इट सिंपल। तुमने कोई भी कोड लिखा, चाहे इतना हो, इतना हो, इतना हो, एक कमरे के बराबर हो, रियली डजंट मैटर। अगर तुम्हें उसमें डेटा रखना है, तुम्हें चाहिए पाई की वैल्यू
कितनी होती है? 3.69। आई की वैल्यू क्या होती है? हाँ जो भी है 3.19। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तुम्हारी अच्छी होगी। जो भी वैल्यू होती है तुम्हें अगर वहां पे रेडियस स्टोर करना है, इतना ही नहीं तुम्हें अपने दोस्त का नाम चाहिए अपने कोड में, किसी भी प्रकार का डेटा अगर तुम्हें तुम्हारे कोड में चाहिए, दैट्स वेयर वेरिएबल्स कम इन टू एक्शन। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? ओके सर, आप ये कह रहे हो डेटा स्टोर करने के लिए देयर इज वेरिएबल्स। बिल्कुल 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 सही। तो डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं? जी हां। तो कॉन्स्टेंट्स काय के लिए होते हैं? वो भी उसी लिए होते हैं। मतलब हां, अब पहले मेरी बात सुनो, ये दो इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है मेरे भाई। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, दीज आर इंग्लिश वर्ड्स। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। हाँ, क्या मतलब है इनके? इनके मतलब है, वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू बदले। इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मतलब प्रोग्रामिंग का वर्ड नहीं है ये इंग्लिश का वर्ड है। जैसे रिमोट, दिस, जैसे मोबाइल फोन, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। तुम समझ रहे हो? तो वेरिएबल्स इंग्लिश वर्ड है। हाँ, क्या मतलब है? जिसकी वैल्यू बदले। और कॉन्स्टेंट्स, ये भी इंग्लिश वर्ड है। इसका क्या मतलब है? जिसकी वैल्यू ना बदले। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मैंने उनके स्टेटसेस उनके कैप्शन पे देखा है, वो अपने दोस्त की फोटो पोस्ट करके लिखती हैं वहाँ पे माय कॉन्स्टेंट। हाँ, वो अलग बात है कि वो 5 महीने बाद उन्हें छोड़ देती हैं और फिर वो अगले को ढूंढती हैं, अगला कॉन्स्टेंट। लेकिन यू गॉट मी माई फ्रेंड, यू गॉट मी। कॉन्स्टेंट इज समथिंग जो चेंज नहीं होता, वेरिएबल इज समथिंग जो चेंज हो जाता है। डेमो, लेट्स गो डेमो। सो वी सेड वेयर दूल्हा लैब, ठीक है, वेयर दुल्हन लैबी। तो चलो इसकी शादी करा दें अपन, लेट्स गो। तो लैब की शादी हो गई दोस्तों लैबी से, लेट्स गो। तो हमने यहां लिखा console.log तेल लेने के जाए, मैं यहीं पर शादी करा दे रहा हूं कॉन्सोल पे ही। तो हमने यहां पे लिख दिया दूल्हा प्लस वेड्स। ये सब आपको सिखाऊंगा मैं ढंग से, अभी बस देख लो एक एग्जाम्पल। मैंने लिख दिया दूल्हा वेड्स दुल्हन। भाइयों, इस वक्त लैब की शादी हो रही है लैबी से, बहुत खुश हैं दोनों। अब ये जाएंगे शादी करके, एक बच्चा पैदा करेंगे दोस्तों, और जमाने में एक और जिंदगी को लेकर आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ताली बजाओ। दूल्हे ने शादी कर ली दुल्हन से, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट ये है मेरे प्यारे भाई, कि इस दुल्हन का पहले एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका नाम है हरामजादा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच में उसका नाम हरामजादा था। तो उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर सिस्टम हैक किया और सारे शादी के कार्ड्स में चेंजेस करने के लिए उसने क्या किया, उसने यहाँ लिखा दूल्हे की वैल्यू अब लैबी, लैब नहीं है, दूल्हे की नई वैल्यू है हरामजादा। ठीक है, जैसे ही ये करोगे तो अब देखो शादी किसकी हो रही, हरामजादे की शादी हो रही दोस्तों लैबी से। हम उसे गाली नहीं दे रहे, उसका नाम हरामजादा है, हरामजादे की शादी हो रही है लैबी से। एक नैतिक समाज के नाते, एक विधान भाई, एक नैतिक समाज के नाते, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम हमारी प्यारी लैबी को बचाएं? बनती है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, व्हाट वील डू, वील चेंज दिस वेयर इंटू कॉन्स्टेंट। अब दुनिया के कोई भी आ जाए, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पर अगर आप वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट अ फकिंग एरर, अ बिग वन, विच सेज यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। दैट्स अबाउट इट। ओके, तो अगर मैं इसे वेयर करूंगा तो वी कैन चेंज द वैल्यू, यस, और अगर मैं इसे कॉन्स्ट कर दूंगा तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, यस। सी, अभी भी हमारी प्यारे लैब की प्यारी लैबी के साथ शादी हो रही है, विच इज वेरी वेरी गुड, टॉप नॉच, सही है। सो दैट इज हाउ इट्स डन माय फ्रेंड, दैट इज हाउ इट्स डन। सो नाउ वी अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वेयर, देयर इज अनदर वन कॉल्ड कॉन्स्ट, देयर इज अनदर वन कॉल्ड लेट। सर आपने वेयर एंड, ये क्या हुआ, ठीक है सर, आपने वेयर एंड कॉन्स्ट के बारे में तो बताया है, बट सर आपने हमें अभी तक वेयर लेट के बारे में नहीं बताया, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? दैट्स अ गुड वन। सो लेट मी सी, रिकॉर्ड तो हो रहा है, बढ़िया, वो देख लेता हूँ कभी कभी, जीवन है। तो वेयर कॉन्स लेट माई फ्रेंड, तो अब हमें जो हमने समझ, मतलब अभी तक जो हमने समझ लिया, दैट इज वेयर से वेरिएबल्स, कौन से कॉन्स्टेंट्स, तो लेट से क्या होता है, लेट से भी वेरिएबल्स बनते हैं। हाँ, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, वेयर ए की वैल्यू 12, लेट की वैल्यू कोई फर्क
नहीं है, फर्क है। और यही तो हमारा डबल माइनस वाला टॉपिक है, पढ़ो। ओके, तो क्या फर्क है? हाँ जी, कितने फर्क है? मेनली तीन फर्क है, मेनली तीन फर्क है। और भी हैं क्या? हाँ, एक दो और हैं, मेनली तीन फर्क है। ओके, नाइस। तो वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कब कवर करेंगे? फ्यूचर में कभी। ओके, ठीक है। तो अगर बस मैं तुम्हें एक लाइन में से समझाऊं तो कुछ ऐसा समझो, वोल्टेज फिर से आ गया। बड़े सस्ते कंडीशंस में काम कर रहे हैं भाई साहब। मेरे को बड़ा ऐसी गर्मी लग रही है इस वक्त, ऐसी गर्मी लग रही है भगवान कसम, पसीना दाढ़ी से। ये देखो, सी, क्या तुम्हें मैं पसीना दिखा पा रहा हूं? लेकिन आई एम डैम श्योर अबाउट दिस माय फ्रेंड, वेरी वेरी श्योर कि हम एक दिन ये हालात बदल देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, वेर लेट इन कॉन्स्ट, थ्री ऑफ देम, वेर लेट इन कॉन्स्ट, वेर इन लेट से बनते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्ट से बनते हैं कॉन्स्टेंट्स। प्रिटी डोप शिट। नाउ वी कंप्लीटेड दिस, अब अगले माइनस टॉपिक को ढूंढते हैं, उसका नाम है हॉइस्टिंग। चलो इसका शिकार करें। सो हम जाएंगे हॉइस्टिंग के पास, लेट्स गो। हॉइस्टिंग, फटाफट। तो हॉइस्टिंग क्या है? हॉइस्टिंग कुछ ऐसा समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले इधर देखो, नहीं इधर देखो, हाँ अब सुनो। हॉइस्टिंग क्या है? वेरिएबल को बनाने से पहले उसे यूज कर सकते हैं। मतलब हमने वेरिएबल को बनाया लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 4 पे ही मैं उसे यूज कर सकता हूं। अब जिन्होंने कभी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी वो तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है बहन, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। क्यों? हाँ, उसी को हम हॉइस्टिंग कहते हैं। नहीं वेट, मतलब हॉइस्टिंग हम इसको कहते हैं कि वेरिएबल बनने से पहले हम उसे यूज कर सकते हैं। जी हां, ओके, तो इसे हम हॉइस्टिंग कहते हैं। जी हां, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है, वेरिएबल एंड फंक्शंस आर हॉइस्टेड। अच्छा, एक चीज और, हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हॉस्टिंग और एक होता है हॉइस्टिंग। याद रखना, इनमें बहुत फर्क है मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा। होस्टिंग अलग चीज है, होइस्टिंग कंप्लीटली अलग चीज है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत लेना, होइस्टिंग, होइस्टिंग पे बात हो रही है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल, देयर इज अनदर कॉल्ड फंक्शंस। वेरिएबल एंड फंक्शंस आर होइस्टेड, होइस्टेड। वेरिएबल एंड फंक्शंस आर होइस्टेड, व्हिच मींस देयर डिक्लेरेशन is moved on the top of the code. Nice. Demo लो। तुमने ये लिखा, तुम्हें पता JavaScript इसमें क्या करेगी? JavaScript इस लाइन को कन्वर्ट कर देगी। सुनो, JavaScript इस लाइन को कन्वर्ट करेगी काय में, इन दो लाइन्स में। तो ये जो तुम्हारी दो लाइन्स हैं, ये इसके बराबर है। तो JavaScript इस लाइन को कन्वर्ट करती है इन दो लाइन्स में, ठीक है, कर दिया सर। तो ये हट गई, उसकी जगह पर ये दो लाइंस आ गई, ठीक है सर। अब क्या होगा? इस पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन, इस पार्ट को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। कुछ होता है, बात की बात है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो सर क्या होता है? डिक्लेरेशन जो है वो टॉप पे मूव हो जाता है, ऐसे ऐसे, हाँ अच्छा, ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हम इसे होइस्टिंग कहते हैं। जी हाँ, पर आप तो बता रहे थे कि वेरिएबल मतलब बनाया उससे पहले ही यूज कर सकते। दिस इज हॉइस्टिंग, जिसका इफेक्ट आपको वहां पर दिखता है, राइट? मैं समझाऊंगा, अभी देखो। देखो, हमने वेरिएबल बनाया, राइट, और उसके पहले हमने कंसोल लॉग लगा दिया। अब देखो कैसे होता है। डन, क्या आप मानते हो ये लाइन कन्वर्ट होगी? जी हां, ठीक। और हमने बात की थी डिक्लेरेशन कहां मूव होगा? टॉप पे, कर दो। बात सुनना हिंदी में, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू ना दी हो, डेमो बी की वैल्यू मैंने क्या दी थी? 12, तो बी की वैल्यू 12 है। पर अगर बी को कोई वैल्यू नहीं दी तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है, तय है, मतलब तय है। तो यहां पर मैंने वेर ए बनाया जो इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। ओके, ठीक है, तो वैल्यू यहां पर क्या है? अनडिफाइंड। फिर अगला लाइन कौन सा चला? ये लाइन, तो कौन सा? लॉग ए। ए में क्या हुआ? प्रिंट अनडिफाइंड, दैट इज द रीजन।
ओके ठीक है समझ गया, पर भैया समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है, मतलब क्या है। डेमो देखना तुम्हें, डेमो सुनो मेरी बात सुनो। ए बनाया हमने, बनने से पहले प्रिंट करने की बात की, हमें एरर नहीं मिला, अनडिफाइंड मिला है, एरर नहीं मिला अनडिफाइंड मिला। बाकी लैंग्वेजेस में यहां पे एरर आता, क्या एरर आता, कोड तो लाइन बाय लाइन चलता है, तो जब लाइन नंबर 5 चली उस वक्त तक ए था ही नहीं, तो आपको एरर मिलना चाहिए था, पर एरर नहीं मिला है। अनडिफाइंड एक वैल्यू होती है, आपने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी अनडिफाइंड, एरर नहीं है। अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में फर्क है, अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड ये कंपनीज में पूछ लिया जाता है भाई साहब, और कई लोगों को अंदाजा भी नहीं होता इसका होता क्या फर्क, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड में फर्क है। डेमो चाहिए, डेमो मुझे बताओ दुनिया। अच्छा पहले सुन लो, पहले फर्क सुन लो। अनडिफाइंड तब होता है जब तुम्हें, जब तुम्हारे पास लाइक पर्टिकुलर चीज हो पर उसकी वैल्यू नहीं है, पता नहीं है, एग्जिस्टेंस है पर एग्जैक्टली वैल्यू क्या है नहीं पता, दैट इज अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डेमो दे रहा हूं मैंने, दुनिया का सबसे होशियार इंसान तुम बताओ मुझे, दुनिया का सबसे होशियार इंसान तुम बताओगे मुझे, तुम कहते हो पता नहीं, उसका मतलब है अनडिफाइंड। ओके ओके अब नॉट डिफाइंड सुनो, मैंने तुमसे कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए चमक चकना चूर ले आओ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या तुम समझ रहे हो, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है दैट इज नॉट डिफाइंड, जिसका एग्जिस्टेंस है पर पता नहीं है कि वैल्यू क्या है दैट इज अनडिफाइंड। डेमो 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 मैंने बोला कंसोल लॉग बी, वहां पर पढ़ो एरर, बी इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि बी है ही नहीं, अब बी है अनडिफाइंड, लेकिन फिर भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये नॉट डिफाइंड ही देगा। रीजन क्या है, क्योंकि लाइन नंबर 5 तक बी डिफाइंड नहीं है, लाइन नंबर 5 तक बी को नहीं जानते हम, राइट हम लाइन नंबर 5 तक नहीं जानते बी कौन है, तो हम तो यही कहेंगे नॉट डिफाइंड, बट जावास्क्रिप्ट में वो अनडिफाइंड दे रहा है। ओके अच्छा देन इट्स अ बिग इशू, यस आपने लाइन नंबर 5 तक पता ही नहीं है बी कौन है, तो आपको तो नॉट डिफाइंड एरर देना चाहिए था ना, आप अनडिफाइंड कैसे दे सकते हो, और उसका आंसर है होइस्टिंग। कैसे, ये जो लाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगी वेयर बी एंड बी इज इक्वल टू 12, और ये वाला पार्ट टॉप पे मूव हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हुई अनडिफाइंड, और यहां पर वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। दिस इज द रीजन माई फ्रेंड, अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अब आपको समझ आ गया होगा। Pretty dope. This is hoisting, my friend. ठीक है, let's move to the next topic. तो hoisting done. Now we're going to talk about something called types in JS. So what exactly that is? Types in JS. It's a very good topic to learn. Let's go. So types in JS कितने? Mainly दो type. पहले का नाम primitives and दूसरे का नाम reference. ठीक है, primitive reference. Exactly क्या फर्क है? पहले कुछ लिखूंगा जो घंटा समझ नहीं आएगा, उसके बाद समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रेफरेंस में तीनों ब्रैकेट वाले होते हैं, मुझे पता है अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर पढ़ा होगा पहले कभी तो समझ आएगा। बाकी लैंग्वेजेस में प्रिमिटिव्स अलग चीज है, यहां पे प्रिमिटिव्स का मतलब कुछ अलग है। हां मैं समझता हूं कि इनबिल्ट टाइप एंड ऑल ऑफ दैट थोड़ी सी चीजें अलग हैं, मैं समझाऊंगा अभी बस देखो। नाइस सो ये है मेनली फर्क, एक आध मैं भूल रहा हूंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है। बस मेरे तो इवन ये कहूंगा आपको ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि रेफरेंस कौन है, रेफरेंस कौन है पहले पढ़ो, रेफरेंस कौन है जिनमें ब्रैकेट हो। कीबोर्ड पर तीन ही ब्रैकेट्स होते हैं और तीनों ब्रैकेट्स क्या हैं, रेफरेंस टाइप के हैं। मतलब क्या है, ऐसी कोई भी वैल्यू, अब जो लिख रहा हूं वो पढ़ो, ऐसी कोई भी वैल्यू, मेरे साथ पढ़ना ठीक है, बात सुनो मेरे साथ पढ़ना,
यकीन मानो मैं आपसे जो कह रहा हूँ मेरे साथ पढ़ना, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपको समझ आएगा, बस स्क्रीन देखो। गला बहुत खरखरा हो रहा है, वो सर्दी वाला होता है ना, खांस वाला सॉर्ट ऑफ, तो वो हो रहा है अभी। ऐसी कोई भी वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर रियल कॉपी नहीं होता, बल्कि उस मेन वैल्यू का रेफरेंस पास हो जाता है, उसे हम रेफरेंस वैल्यू कहते हैं। मैं समझाऊंगा, और जिसका कॉपी करने पर रियल कॉपी हो जाए वो प्रिमिटिव होता है, वो वैल्यू प्रिमिटिव होती है, ऐसे लिख लो, वो वैल्यू प्रिमिटिव वैल्यू होती है। तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, थोड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्ट पढ़ोगे तो ये काफ़ी काम आता है। स्क्रीन देखो। अबे अपन किसी से नहीं भागने वाले दादा, 50 किलो का भी अगर डंबल है ना, भागेंगे नहीं, प्रिपेयर करेंगे, धीरे धीरे पहुँचेंगे 50 किलो पे। अबे हर कोई 5 ही किलो से शुरू करता है यार, बच्चा छोटा रहता है तो एक छोटी बाल्टी उठाने में भी उसे दिक्कत होती है, शुरू सब लोग वहीं से करते हैं। हम भाग रहे हैं इसलिए हम साला पहुंच नहीं रहे वहाँ। तुम जिस दिन मुड़ के कह दोगे ना माँ की चूत अब तो लड़ूंगा, तो बस उस दिन से कहानी शुरू हो जाती है। इट्स मोर लाइक दैट। तो मेरे भाई देखो, वेर एक वैल्यू 12, बात सुनना, एक वैल्यू क्या है 12, मैंने बी में कॉपी किया, ये देखो कॉपी कर दिया, ए की वैल्यू 12 थी, बी की वैल्यू ए है, इसका मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू 12 है, चेक कर सकते हैं, सही है। ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है। अब हमने क्या किया, हमने बी की वैल्यू 2 से बढ़ा दी, बढ़ गई, और वापस सेफ कायम किया 2 बी में, तो बी की वैल्यू 2 से बढ़ी और वापस सेफ कायम हुई बी में। चेक करो, बी की वैल्यू 14 हो गई और ए की वैल्यू अभी भी 12 है, सही है। तो सर इसमें क्या पढ़ा दिया आपने, तो हमें भी आता था, अभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ाऊंगा, स्क्रीन देखो। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिख दिया मैंने, तो ऐसा समझो ये कुछ होता है जिसका नाम है अरे, बाद में हम पढ़ेंगे, बस ऐसा समझो कि हम वो ब्रैकेट लगाने से एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ एक एक वैल्यू रख सकते थे, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया कॉमा लग के, हम एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। डेमो दे दे रहा हूँ, ए में पहले आप सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते हो, अगर आपको 13 रखना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे रैप करना पड़ेगा, तो हम इसे अरे कहते हैं। कुछ होता है अरे वगैरह पढ़ेंगे। तो ए की वैल्यू है 12 और 13, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए, ए की वैल्यू 12 13, बी की वैल्यू ए है, ठीक है सर आप कह रहे सही कह रहे होगे, हाँ ए की वैल्यू 12 13, बी की वैल्यू ए है। अब मैंने चेंजेस कायम किए बी में, मैं बी से एक आखिरी वैल्यू हटा रहा हूं, उसका मतलब होता है पॉप, ये सब नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तुम्हारा फोकस पॉप और इन सब पे नहीं होना चाहिए, अरे सीखने पे नहीं होना चाहिए अभी, तुम्हारा फोकस बस मैं जो एक आखिरी में चीज बताऊंगा उस पे है होना चाहिए, बस तेल लेने जाए पॉप, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पॉप नहीं समझ आ रहा तेल लेने जाए, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। तो इस लाइन से मैं बता रहा हूं क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ, जो आपने ये कॉपी किया था वो उसका आखिरी एलिमेंट हट गया, किससे हटाया, बी से, पॉप का मतलब हटाओ आखिरी एलिमेंट, तो हमने बी से आखिरी एलिमेंट हटा दिया, चेक करो। तो सुनो, ए की वैल्यू 12 13, बी की वैल्यू ए, मतलब बी की वैल्यू भी 12 13, तो हमारे बी में से आखिरी एलिमेंट हटा तो सिर्फ 12 बचना चाहिए, सिर्फ 12 बचा है। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मुझे आता है। अब अगली चीज जो तुम देख रहे हो अभी अभी, जो मैं अब लिखने वाला हूं, ये तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ए की वैल्यू भी 12 हो चुकी है, नहीं नहीं वेट, ए की तो 12 13 थी, अब नहीं है, तो ऐसा क्यों, दैट इज वॉट रेफरेंस टाइप्स आर ऑल अबाउट। लेट्स गो, लेट्स स्टडी देम। पहले एक एग्जाम्पल लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं मैंने और आदर्श भैया ने बिस्किट खरीदा, सारे बिस्किट खा गए और आखिरी बिस्किट बचा हुआ है, ये मैं हूँ, शक्ल देख रहा था मेरी कितना प्यारा हूँ, ठीक है ये लो आदर्श भैया आ जाओ, ये लो, ठीक है, चंट चंट आदर्श भैया, नाइस, मैं तो भोला भाला आदमी, बाल भी मेरे बहुत
ये मैंने लड़की क्यों बना दी वेंचर, ठीक है कान बना देता हूँ, नाइस। चलो तो ये मैं हूँ, ये आदर्श भैया हैं, ठीक है, और ये बिस्किट है, और मैंने कहा मेरा बिस्किट आदर्श का भी बिस्किट है। इधर सुनो, मेरा बिस्किट, मेरा रिमोट आदर्श का भी रिमोट है, ये रिमोट मेरा रिमोट आदर्श का भी रिमोट है, और आदर्श भाई ने इसको आग लगा दी, दीवाल से मार दिया। तो क्या हमारा रिमोट बचा, मेरा रिमोट बचा? नहीं, वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा रिमोट आदर्श का रिमोट था और आदर्श ने अपने रिमोट पे आग लगा दी। ओ फक, वेट, मेरा रिमोट आदर्श का रिमोट था और आदर्श ने अपने रिमोट पे आग लगा दी। क्यूट, ब्यूटिफुल, ऑसम। तो हम दोनों का रिमोट गया, क्योंकि हम दोनों का बिस्किट है। आदर्श भाई ने इस बिस्किट को खा लिया, तो अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा है, ना मेरे पास ना आदर्श भाई के पास। क्या ये समझ आया? इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई रेफरेंस टाइप, रेफरेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अगर आपने इन ब्रैकेट वाली वैल्यूज को बनाया, ठीक है, और इनको कॉपी करने की कोशिश करी, क्योंकि ये तीनों रेफरेंस टाइप की वैल्यूज होती हैं, आप इन्हें डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हो, डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। सर इसका मतलब समझाएंगे? बिल्कुल समझाऊंगा, अभी देखो स्क्रीन, ठीक है, लेट्स गो। तो फॉर एग्जांपल आपने यहां पर एक वेरिएबल बनाया, क्या इसमें कहीं भी इसकी वैल्यू में ब्रैकेट लगाए? नहीं, तो फिर ये प्राइवेटिव है, सिंपल। ओके, मतलब ब्रैकेट लग गया तो रेफरेंस है, हाँ। अब ब्रैकेट लगाए, हाँ, तो फिर ये क्या है? रेफरेंस टाइप की वैल्यू है, हाँ, ठीक है, रेफरेंस टाइप की वैल्यू है। तो हाँ, तो ये क्या आप ये नहीं कर सकते? तो सर हम ये कर ही नहीं सकते? कर सकते हो, गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बी इस वक्त, बी ए के पास है अपना 1 2 3 4, बी के पास है खुद का 1 2 3 4, गलत। ए के पास है खुद का 1 2 3 4, बी के पास है ए का 1 2 3 4, रेफरेंस, रिफर, समझ रहे हो? तो अगर मैंने चेंजेस बी में किए तो एक्चुअली चेंजेस किस में हो जाएंगे? ए में। तो इसीलिए बी में भी हुए और ए में भी हुए, दिस इज द रीजन। ओके ओके ओके, तो सर वो रियल कॉपी कैसे करें फिर? दैट इज डबल माइनस टॉपिक, अगली वीडियो, राइट, डोंट वरी, लेट्स गो। अगले टॉपिक पे आते हैं फटाफट, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल्स, कंडीशनल्स माय फ्रेंड। अच्छा भाई दबे, तो मुझे पता कैसे चलता प्रिमिटिव्स में क्या क्या है? यार तुम कोई भी वैल्यू लिख लो और बस ये चेक किया करो वैल्यू में कहीं ब्रैकेट है क्या, नहीं है, प्रिमिटिव, सिंपल, एकदम सिंपल, ब्रैकेट है नहीं है, प्रिमिटिव। ब्रैकेट है, हाँ, रेफरेंस, इतना सिंपल है। तो इसलिए लोड मत लेना प्रिमिटिव रेफरेंस पे, बिल्कुल लोड मत लेना, ठीक है, लेट्स गो। टिक मार्क, टिक मार्क, बढ़िया, नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक अब जो हमें पढ़ना, दैट इज कंडीशनल्स। तो कंडीशनल्स सुनो, हम कंडीशनर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल। ये होता क्या है? ये होता है इफ एल्स एल्स इफ। ये मैं ये वीडियो पता है एक दो बार पहले भी बना चुका हूँ, इसलिए इतना लेट हो गई वीडियो चैनल पे। पहली बार बनाई तो पता नहीं यार क्या हुआ, वो वीडियो डिलीट हो गई फॉर सम रीज़न, ठीक है, पता नहीं कैसे हुई यार। दूसरी बार बनाई तो यार ये जिस कैमरे को से तुम मुझे देख रहे हो ना, उस कैमरे से ऑडियो रिकॉर्ड हो गई तो पूरा गूंज रहा था। अब ये तीसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट जस्ट फक्ड अप माई यू नो मूड, बट When I read your comments, I think I got something in me which, you know, can help many people. If I work for them, I can make a lot of, you know, positive change. Why not to do it? With great power comes great responsibility. I highly believe that. And I'm not very rich and all that stuff, but I believe I'm still powerful. If you got the power, you know, like power is about, I believe power is knowledge. Knowledge is power, we can say that. So I got knowledge about things. So I believe that is power. So if you're powerful, you got responsibilities, my friend. With great power comes great responsibility.
लेट्स गो। तो कंडीशनल्स, इफ एल्स एल्स इफ, हमें ये तीन चीजें पढ़नी है फटाफट। क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं? हाँ, कौन सी? दो और, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस। तो क्या हम वो इसमें पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो माइनस, डबल माइनस टॉपिक्स हैं, बात की बात। लेकिन अभी बेसिक्स सीखो। तो कंडीशनल्स होते क्या हैं? जब भी बात अगर मगर पर आएगी, अगर मगर पर आएगी, या फिर बात आएगी ऐसा वैसा हो जाए तो, ऐसा हुआ तो ये करो, वैसा हुआ तो वो करो। कुल मिला के आप गली के चौराहे पे जब खड़े हो जाओगे, चार रास्ते जाते हैं, तब फिर काम कैसे होगा? दैट्स वेयर कंडीशनल कम्स इन। ठीक है, ओके ओके भैया, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। ठीक है, लेट्स गो। कैसे? सबसे पहले आप इफ लिखते हो और फिर ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, लग गया ब्रैकेट। अब क्या? इफ लिखने के बाद जो ब्रैकेट आपने लगाया है, ये जो ब्रैकेट है मेरे प्यारे भाई, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, सिर्फ दो। ठीक है, पहली का नाम है ट्रू, दूसरी का नाम है फॉल्स। ओके, तो आप कह रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं? जी हाँ भैया, झूठ बोल रहे। मैंने कहा कैसे? भैया मैंने कुछ दिन पहले कोड देखा था, वहां पे ना ट्रू लिखा था ना फॉल्स लिखा था, मेरा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा इसके अंदर से दो ही चीजें आ सकती हैं, इसके आगे भी कुछ बचा है, इसके अंदर से दो ही चीजें आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। पर यह जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स लिखें, आप उसकी जगह कुछ ऐसा भी लिख सकते हो जो कन्वर्ट हो जाए ट्रू फॉल्स में। डेमो 12 10 से बड़ा है, ट्रू। 10 9 से छोटा होता है, नहीं होता, फॉल्स। तुम समझ रहे हो? ओके, मतलब हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जो कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, 11 12 से बड़ा है, है? नहीं है, तो फिर यहां पे क्या आएगा? फॉल्स। इट्स दैट इजी, इतना इजी है, तुम समझ रहे हो? इतना इजी, पानी पीने गया था। चलो लेट्स गो। तो अब हमें जो करना है, दैट इज कि हमने यहाँ पे इफ बना लिया, इसके अंदर से ट्रू या फॉल्स ही आता है, मैंने ऑलरेडी बताया, या फिर कुछ ऐसा लिख दो जो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमने दो कंडीशन देख ली, तीसरा भी कुछ होता है? हाँ, क्या? जिसने इफ बनाया था उसे पहले ही पता था, भैंचू लोगों के हाथ में एक कीबोर्ड, और जिसके हाथ में कीबोर्ड होता है मेरे भाई, वो कुछ भी लिख सकता है, जैसे कि एप्पल। अब ना ये ट्रू है ना ये कन्वर्ट हो रहा, अब क्या होगा? अब भी चलेगा, एरर आएगा, क्या होगा? अब भी कोड चलेगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब भी कोड चलेगा। तो ये कैसे चलेगा? ये चलेगा मेरे प्यारे भाई ट्रुथ एंड फॉल्सी के बेसिस पे, विच इज डबल माइनस टॉपिक। और इसका एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, -1, ये चलेगा या नहीं? पता नहीं, मुझे पता है, आपको मैं बिना पता हूं। तो चलेगा तो क्यों, नहीं चलेगा तो क्यों, राइट? ऐसा है। तो मेरे प्यारे भाई, जो इफ है उसमें ट्रू या फॉल्स आता है, अगर उसमें वैल्यू फॉल्स आई, जैसे यहां पे 12 13 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स, तो फिर क्या चलता है? एल्स। तो फिर एल्स चलता है, एल्स में जो भी कोड लिख दोगे वो चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहां पर कुछ ऐसा लिख दिया, 11 12 से बड़ा है, नहीं है, आपने लिख दिया 111 12 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो फिर मेरे प्यारे भाई, तो फिर यहां पे वैल्यू क्या हुई? ट्रू। और ये जो आप देख रहे हो, दिस राइट हियर माय फ्रेंड, दिस इज इफ ट्रू। तो अब आपका इफ वाला पार्ट चलेगा और एल्स नहीं चलेगा। तो कुल मिला के या तो इफ चलता है या तो एल्स चलता है। तो एल्स इफ क्या होता है? जब आपके पास एक से ज्यादा रास्ते हो, मैं डेमो देता हूं, आपने बोल दिया अगर 11 12 से बड़ा हो, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। आप एक और कंडीशन चेक करना चाहते हो, एल्स, और फिर आप वापस से क्या लगा रहे हो? इफ। ठीक है, इसी का रिपीट चल रहा है, ध्यान से देखो, एल्स के बाद इसी का तो रिपीट चल रहा है, देखो, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 13 से बड़ा है, जो कि नहीं है। आप एक और कंडीशन चेक करना चाहते हो, एल्स इफ, आप लिख रहे हो 14 अगर 16 से बड़ा है, जो कि नहीं है, और लास्ट में आप लिख रहे हो एल्स। तो अगर हम देखेंगे, दिस कंप्लीट थिंग इज इफ एल्स पैटर्न।
तो वी हैव इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो कुल मिला के ये वाला इफ चल नहीं रहा, ये एल्स इफ चल नहीं रहा, ये एल्स इफ चल नहीं रहा, तो क्या चलेगा एल्स, ऐसी कहानी है राइट। और बीच में कोई चल जाता तो बस वहीं तक रहता, उसके आगे आप चेक भी नहीं करते। तो अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा लिख देते ये नहीं चल रहा पर ये चल रहा है, बात खत्म, आगे का चेक भी नहीं होगा, इट्स मोर लाइक दैट। तो कुल मिला के वो जितने इफ एल्स इफ एल्स होंगे उनमें से कोई एक चलेगा, हाँ ऑलवेज। ठीक है परफेक्ट, हमने ये कंडीशनल्स पढ़ लिया है, अब हमें एक आइडिया लग गया है। ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इन सब के टॉपिक्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब सारे करवाना चाहता हूँ तुम लोगों को, वो भी हम एक काम करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे राइट। तो अगेन मैं यार लाइक्स और कमेंट्स का भूखा नहीं हूँ, सच बताऊँ तो माँ कसम नहीं हूँ, ऑनेस्ट बात बताऊँ क्या बात रहती है, ऑनेस्ट बताऊँ अगर तुम लाइक और कॉमेंट करते हो ना तो उससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाती है। मुझे लाइक और कमेंट से माँ कसम कोई लेना देना नहीं है, मेरे कब पिछले कोई भी वीडियो उठाना कभी नहीं कहा मैंने ज़्यादा कि इतना टारगेट ये टारगेट वो कुछ नहीं, बट यार होता क्या है कि लोगों को वीडियो अच्छी लगती बट सोचते क्यों लाइक करें, मतलब क्यों करें, ठीक है छोड़ दो ना यार, बट अगर आप नहीं करते ना तो ये वीडियो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती। यार मैं इतनी मेहनत करके कॉन्टेंट बनाता हूँ लोगों तक नहीं जाता, चैनल कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं करेगा हम कितनी भी मेहनत करते रहें, तो बट डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए। और मैं सच बताऊं तो मेरी भी पेरेंट्स हैं एंड देखो यार मुझे ऑनेस्ट बात पता है, अगर मैं खूब सारी मेहनत करूंगा ना एक साल प्रॉपर एक साल तो आई नो कि मैं कोई भी बड़ा ब्रांड क्रैक कर लूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड क्रैक कर लूंगा, मुझे मेरी रियलिटी पता है, एक साल मेहनत करके मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड क्रैक कर लूंगा मुझे पता है। ठीक है तो मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जब और मेरे पेरेंट्स को भी पता है इस बारे में, तो वो और मैं हमेशा यही सोचते हैं कि भाई जब इतना पोटेंशियल है तो हमारा लड़का अच्छा कमाए, वो हमेशा ऐसा सोचते हैं। आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे, तुम पढ़ रहे हो पैसे के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ जेन्युइनली पैसे के लिए नहीं बट एट द एंड ऑफ द डे पैसे के लिए, भाई एवरीबडी डज, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पैसा एक बहुत अजीब सी या गलत चीज़ है, हर कोई काम करता है पैसे के लिए ब्रो आप, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता ना, हमारे पर्सनल टर्म्स भी तो हैं, मैं किसी की दुकान से कुछ खरीदता हूँ तो ऑब्वियसली पैसे दूंगा ही, बट मैं उससे बात भी तो करता हूँ और भैया कैसे हो क्या चल रहा क्या क्या, अरे यार वो मतलब आप उसको ऐसे मिक्स मत करो, मतलब पैसा इज द नेसेसिटी, क्या वो मुझे बिना पैसे के सामान नहीं देगा, बार बार नहीं देगा, हर बार नहीं देगा, कुछ बार देगा, व्यवहार वही तो बताता है कि भाई सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। तो वैसे ही है, तो अगर मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें अपना प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो उसके बदले मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ ब्रो कि आप मुझे एटलीस्ट इतना सपोर्ट करोगे कि ये चैनल ग्रो करे। यार वी हैव 22 लोगों की फैमिली बाहर बैठे हैं लोग, 22 लोगों की फैमिली, हमें उन्हें चलाना है, दे आर यंग पीपल, पढ़ाने में लाइक सिखाना चाहते हैं तुम लोगों को अच्छी चीज़ें इसी चैनल पे, तो इट टेक्स टाइम, इट आस्क फॉर मनी, उन्हें पे करना पड़ता है राइट। लेट्स गो, चलो तो अब हमें जो पढ़ना है अगला टॉपिक दैट इज अबाउट हमने स्विच नहीं पढ़ना, ट्रुथ फॉल्सी नहीं पढ़ना, अब हमें पढ़ना है लूप्स, उसमें हमें पढ़ना है फॉर एंड वाइल लूप, फिर आएंगे फंक्शंस, पैराम्स एंड आर्गुमेंट्स, अरेज, पुश पॉप शिफ्ट ऑन शिफ्ट and few more stuff. Let's go. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले loops. Okay. तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? For and while. सबसे पहले for loop. Exactly पहले समझो. पहले loop क्या है? Loop का मतलब सीधा सपाट repeat. Loop का मतलब repeat. Wait. पहले सुनो. Loop का मतलब repeat. मैंने तुमसे बोला हेलो 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 हेलो, रिपीट हो रहा है, लूप है। डेमो देखो, बताना इनमें से कौन सा लूप है कौन सा नहीं। या फिर चलो यहीं तक रखते हैं। तो ऊपर वाला लूप है और नीचे वाला लूप नहीं है, सही है गलत है, दोनों लूप है, दोनों लूप है। हाँ कैसे? सुनो, तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि सारे वन है, रिपीट हो रहा है, वन लूप है, और तुमने देखा यहां पे तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये लूप नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों लूप है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे रिपीट हो रहा। प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन
एंड सो ऑन, राइट। प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट फाइव, प्रिंट सिक्स, प्रिंट सेवन, प्रिंट एट एंड प्रिंट नाइन। ध्यान से देखो इन सब में क्या कॉमन है, प्रिंट। एवरी फकिंग टाइम यू आर सेइंग प्रिंट प्रिंट प्रिंट, तो आप ध्यान से देखिए दोनों चीजें लूप हैं, दोनों रिपीट है। ऊपर वाले में रिपीट हो रहा है नंबर भी और प्रिंट भी, नीचे वाले में सिर्फ रिपीट हो रहा है नंबर्स। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो नीचे वाले में सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, आई एम सॉरी, नंबर्स नहीं, प्रिंट। नीचे वाले में सिर्फ रिपीट हो रहा है प्रिंट। तो हम जब नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, दैट इज रिपीटिशन ऑफ नंबर्स इन प्रिंट। और जो हम नीचे वाला देख रहे हैं, दैट इज रिपीटिशन नहीं ऑफ, रिपीटिशन जस्ट ऑफ प्रिंट। नंबर्स हर बार डिफरेंट है। सो आई बिलीव यहां तक तुम लोग को समझ आया, राइट। अब लूप कब यूज करते हैं वो सुनो। मैंने तुमसे कहा तीन बार हर्ष प्रिंट करो, तीन बार। क्या रिपीट हो रहा है? हाँ। क्या हम लूप लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तीन ही बार करना है तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा यार, हो गया तीन बार प्रिंट, तीन ही बार करना है ना भाई, तो ऐसे लिख दूंगा। लूप काय के लिए लगाएंगे? पर मैं तुमसे कहता 30 बार हर्ष प्रिंट करो, 30 बार। अब मैं क्या ऐसे लिखूंगा? ऐसे नहीं। क्यों यार? 30 बार और तीन बार में फर्क होता है ना भाई, 30 और तीन बार में फर्क होता है ना भाई, 30 बार में कहां गिनता फिरूंगा मैं, और तब वहां पे लूप लगेगा। ओके, तो कुल मिला के भाई आप ये कह रहे हो, अगर एक या एक से ज्यादा बार आपको कोई चीज प्रिंट करनी है या कुछ भी परफॉर्म करना है बार बार, उस पे लूप लगता है? हाँ। मुझे तीन बार हर्ष प्रिंट करना, उस पे लूप लगता है? लगता तो है। लगाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिना उसके करना ज्यादा इजी है। तलवार से भिंडी नहीं काटते, काट सकते हैं, काटते नहीं है, उसके लिए चाकू है, राइट। तो तलवार जिस यूज के लिए है, आप उसे वहां यूज करेंगे। हर चीज का एक यूज केस होता है, वैसे ही लूप का एक यूज केस है। टू लाइक सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग का ही बहन जो पूरा यूज केस सिंप्लीफाई करना है। अगर आप तीन बार हर्ष प्रिंट करने के लिए लूप लगा रहे हो, इट्स नॉट सिंप्लीफाई, इट्स आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया चीज़ों को। डोंट डू दैट। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना होता जो डिफिकल्ट था, कई बार करना है रिपीटिशन में, दैट्स वेयर वी यूज लूप। और उनमें से हमारे पास दो लूप्स हैं, एक का नाम है फॉर और एक का नाम है वाइल। क्या ये दोनों लूप्स हैं? हाँ। इसका मतलब ये दोनों रिपीट करते हैं? हाँ। फॉर भी रिपीट करते हैं? हाँ। क्या आप अभी दिखा सकते हो? हाँ, तो दिखा दो। चलो अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप की कहानी कुछ ऐसी है, आप ऐसा समझो, सबसे पहले आपको फॉर लिखना है। और मैंने ऑलरेडी बताया लूप कहाँ यूज होता है, आपके लाइक कह सकते हो जहां पे चीजों को रिपीट करना हो। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ तुम लोगों को, तो मुझे बताना क्या तुम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग देखना चाहोगे इन सारी चीजों से रिलेटेड। अभी मैं तुम्हें टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फॉर लूप के साथ तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यूज कहाँ है फॉर लूप का, राइट। प्रोजेक्ट बनवाना चाहोगे फॉर लूप से? फॉर लूप से प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, राइट। कॉमेंट करना तो बनवाऊंगा, बढ़िया, लेट्स गो। सबसे पहले फॉर लूप पे तीन चीजें आनी है, पहले का नाम है स्टार्ट, सेमीकोलन, एंड सेमीकोलन चेंज। तो क्या मतलब है इसका? लूप का यूज कहां होता है पहले ये समझो। मैंने आपसे कहा जीरो से टेन तक अपन को कुछ प्रिंट करना है, जीरो से टेन तक अपन को कुछ प्रिंट करना है, सही है? तो जीरो से टेन तक प्रिंट करना है, जी हाँ। तो जीरो से टेन तक अपन जो प्रिंट कर रहे हैं वो कैसे प्रिंट होगा? ऐसे कर सकते हैं कंसोल लॉग जीरो एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मान लेते हैं इस तरीके से अपन प्रिंट कर सकते हैं, राइट, सही है। तो अपने सारे नंबर्स वहां पे प्रिंट हो गए जीरो से लेके सिक्स तक, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन एक दिक्कत है, अब देखो मैं इसमें लगातार कोड रिपीट कर रहा हूं, इतना पार्ट कोड का बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? और हम ऐसे नहीं लिखना चाहते। कंप्यूटर्स में कहा जाता है कि कोई भी कोड को रिपीट नहीं करना चाहिए बार बार, आप उसके लिए बेहतर तरीकों को यूज़ करें, कोड को रिपीट ना करें। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करें भाई साहब? अब कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको दो लाइन दिखाऊंगा, बताना किसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये लाइन रिपीट हो रही है, या ये लाइन रिपीट हो रही है, और अपन क्लियरली बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो भाई, ये पहली वाली लाइन रिपीट हो रही है, दूसरी वाली थोड़ी हो रही है, लेकिन रिपीट दोनों हो रही है। प्रिंट वन, प्रिंट वन, प्रिंट वन, प्रिंट वन, प्रिंट वन, प्रिंट वन, प्रिंट वन,
एंड सो ऑन. प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट फाइव, प्रिंट सिक्स, प्रिंट सेवन, प्रिंट एट, प्रिंट नाइन. पर इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा. रिपीट हो रहा है क्या? प्रिंट. बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री. ओके ठीक है, तो प्रिंट वर्ड रिपीट हो रहा है, राइट? हाँ. तो जब भी कहा जाता है कि आपको लाइक ऐसा देखना, जीरो से टेन तक प्रिंट करना है, तो कितनी बार प्रिंट हुआ? दस बार, ग्यारह बार. जीरो से दस तक प्रिंट हुआ तो ग्यारह बार प्रिंट हुआ, राइट? तो हमारा लूप कितनी बार चलता है? ग्यारह बार. लूप क्या होता है? अगेन मैं बता रहा हूँ. शुरू किया हमने जीरो से, तो ये पहली चीज होती है स्टार्ट. मैंने कहाँ से शुरू किया? आई की वैल्यू जीरो से, क्योंकि ये जीरो है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि जीरो से शुरू होता है. परफेक्ट. फिर हमारा लूप जाता कहाँ तक है? लेस देन इलेवन. लेस देन इलेवन से हम कहाँ तक जाएंगे? टेन तक, क्योंकि हमारा आखिरी नंबर हमें जो टच करना है वो टेन है, राइट? फिर उसके बाद हम जाएंगे आई प्लस प्लस तक. आई प्लस प्लस का मतलब है चेंज, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, राइट? तो पहले आई की वैल्यू क्या है? जीरो. क्या वो जीरो इलेवन से छोटा होता है? बिल्कुल. क्या आई प्लस प्लस से वैल्यू बढ़ेगी? हाँ. तुरंत नहीं, अगली बार. मतलब समझाता हूं, चलो देखते हैं. आई की वैल्यू क्या है इस वक्त? जीरो है, राइट? क्या जीरो इलेवन से छोटा है? हाँ. क्या आई प्लस प्लस हो गया? अभी नहीं, अभी हम पहले अंदर आएंगे. कंसोल की वैल्यू बढ़े, कंसोल लॉग प्रिंट होगा आई, आई प्रिंट होगा तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई? जीरो. हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार सर को पता नहीं शायद प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के बारे में, सर को पता है, ऐसा नहीं है. मुझे पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है. एंड मैं बस ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ आ जाए, तो इसलिए अभी ऐसा कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू नहीं बढ़ी. टेक्निकली कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, वो मैं समझाऊंगा बाद में. प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जब बात करेंगे तब अपन बात करेंगे उस पर. बट अभी ऐसा समझो, वेर आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू जीरो से शुरू हुआ. जीरो क्या इलेवन से छोटा होता है? हाँ. क्या वैल्यू बढ़ गई? नहीं, नहीं, अभी नहीं बढ़ी, अभी नहीं बढ़ी, अभी हम सेम वैल्यू यूज करेंगे. तो आई की वैल्यू क्या हुई? जीरो. क्या प्रिंट हुआ? जीरो. परफेक्ट. अगली बार जब हम जाएंगे तो आई की वैल्यू जीरो से शुरू नहीं होगा, वो जो वैल्यू बढ़ी थी उससे शुरू होगा. वैल्यू क्या हुई थी? वन. आई प्लस प्लस से क्या हो जाता है? एक वैल्यू बढ़ जाती है. किसकी? प्लस प्लस के पहले जो भी लिखा होगा. क्या लिखा है? आई. तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? आई की. आई की पिछली वैल्यू क्या थी? जीरो. अब क्या हो गई? वन. क्या वन भी इलेवन से छोटा है? हाँ. क्या वैल्यू अभी बढ़ेगी? नहीं, अगली बार. तो वन प्रिंट हो जाएगा. हाँ जी, हो गया. ओके, तो इसी तरीके से सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं. अच्छा, चलो अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ये प्रैक्टिस है. 25 से 50 तक प्रिंट करना है. आओ बनाते हैं. फॉर वेयर आई इज इक्वल टू 25, 25 से शुरू हुआ, आई लेस देन 51, 50 तक जाएगा, प्लस प्लस. परफेक्ट. एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग आई, दैट्स अबाउट इट. एंड वी कैन सी 25 से 50 तक प्रिंट हो रहा है, राइट? तो अब हमें फॉर लूप की एक छोटी छोटी प्रैक्टिस हो गई है कि एग्जैक्टली क्या है, राइट? और ढंग से सीखना है अगर फॉर लूप, तो प्लीज़ कमेंट करना. मैं लूप्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ. तो 25-30 क्वेश्चन जो भी होंगे लूप के सॉल्व करवा सकता हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी होगी, राइट? तो कमेंट करना. अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे, एक अच्छे लेवल ऑफ कमेंट्स आए, तो डेफिनेटली वील डू इट. लेट्स गो टू द व्हाइल लूप. अब व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप के साथ कहानी बिल्कुल सिंपल है. व्हाइल के अंदर कुछ ऐसा लिखो इस ब्रैकेट के अंदर जो या ट्रू या फॉल्स हो जाए. इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिखो जो ट्रू या फॉल्स हो जाए. मतलब जैसे 12 क्या 3 से बड़ा है? हाँ है. तो 12 3 से बड़ा है, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. और अगर इसका आंसर ट्रू हो गया तो व्हाइल कब चलेगा? तुरंत. कब तक चलेगा? हमेशा. हमेशा, हमेशा. तो आप हमेशा चलाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. और ये आपके ब्राउज़र को भी हैंग कर देगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको, हल्का सा. तो ऐसा कोड कभी मत लिखो कि ब्राउज़र हैंग हो जाए. कोड ऐसा लिखो कि चार लोग कहें कि अब मत लिखना. लेट्स गो. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे व्हाइल है. व्हाइल के ब्रैकेट में आपको कोई ऐसा लिखना है जो कि फ्यूचर में जाके टूटेगा. व्हाइल कैसे काम करता है? व्हाइल लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और इस कंडीशन को मैच करता रहता है जो भी आप यहाँ लिखोगे. ठीक है, मैं डेमो देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए की, ओ इंट नहीं, वेयर ए की वैल्यू 12 है. मैंने यहाँ पे लिख दिया जब तक ए, लेट्स से जब तक मैंने लिख दिया ए जब तक 20 से
छोटा है और अंदर जाके मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिया। इससे क्या होगा अब देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। क्या ए बीस से छोटा है? हाँ 12 बीस से छोटा है। हम अंदर आएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 13। हम वापस जाएंगे यहाँ पे, क्या 13 बीस से छोटा है? हाँ वैल्यू हो जाएगी 14। क्या 14 बीस से छोटा है? हाँ 15। क्या 15 बीस से छोटा है? हाँ 16। 16 भी छोटा है? हाँ 17। 17 भी छोटा है? हाँ 18। 18 भी छोटा है? हाँ 19। 19 भी छोटा है? हाँ 20। क्या 20 भी 20 से छोटा है? नहीं। एंड दैट्स व्हाई इट विल फेल, राइट? आई बिलीव आप समझ गए। सो व्हाइल लूप कैसे काम करता है? व्हाइल लूप काम करना तरीका उसका बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल क्लियर है। दैट इज आप जो भी कंडीशन है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, कब फेल होना है, कब फेल होना है वो आप यहाँ लिखेंगे एंड लगातार वैल्यू को चेंज करते रहिए। दैट्स इट। मुझे पता है ये काफ़ी नहीं होता व्हाइल लूप को सीखने के लिए, मतलब बस एक डिस्क्रिप्शन काफ़ी नहीं होता, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो। मैं ये सिखाने में बिल्कुल 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 इंटरेस्टेड हूँ, राइट? इस वीडियो में मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ फॉर लूप और व्हाइल लूप, हो सकता है लोगों को पता हो तो दैट्स कूल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मुझे बताना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, राइट? लेट्स गो। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक भाइयों हमारे पास जो है दैट इज लूप्स के बाद हमारे पास फॉर व्हाइल हमने कवर कर लिए, हमने क्या कवर नहीं किया? फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, डू व्हाइल। अब हम आते हैं फंक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड फटाफट। फंक्शंस, फंक्शंस ये क्या है? सुनो, फंक्शंस मेनली तीन काम के लिए होते हैं। होते क्या है वो उसके बाद आएगा। पहला काम, जब आपका कोड आप तुरंत नहीं चलाना चाहते, फ्यूचर में चलाना चाहते हो, राइट? ये हो गया पहला, जब आपका कोड आप रीयूज करना चाहते हो। तीसरा, जब आप कोड चलाना चाहते हो हर बार विथ डिफरेंट डेटा। मैं समझाऊंगा अभी, बढ़िया। चलो पहला वाला देखते हैं। तो फंक्शंस मेनली तीन काम के लिए होते हैं, उसके पहले ये देखते हैं कि जरा फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन का मतलब आप कुछ कोड को लिखकर कोई नाम दे सकते हो। मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ये कोड लिखा है, ये कई लाइन का कोड है, तो मैं इस पूरे कोड को एक नाम दे सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल बाइक। समझ रहे हो? तो मैंने इसको नाम दे दिया बाइक, दैट्स इट। तो हमने इसका नाम बाइक रख दिया। अब क्या है, आप इसको जब भी चलाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? बस बाइक। और उससे क्या होगा, आपको ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये कोड ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे हमने कुछ कोड लिख लिया, हाँ लिख लिया, हमने उसका नाम एप्पल रख दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हम बाद में कभी भी एप्पल बोलेंगे तो हमें वो पूरा कोड ना लिखते हुए बस एप्पल बोलने से हम इस कोड को चला पाएंगे? हाँ। तो इसे हम फंक्शन कहते हैं? जी हाँ, इसे फंक्शन कहते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है, अब आप कह रहे हो सही कह रहे हो, हाँ जी, ओके, लेट्स गो। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शन का मतलब आप कुछ कोड को लिखकर कोई नाम दे सकते हो एंड बाद में उसे यूज़ कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो विथ दैट नेम एज मैनी टाइम्स, ओके। तो फंक्शन का कुल मिला के मतलब हुआ फंक्शन इज इक्वल टू कोड को नाम देना। ऐसी कहानी है, राइट? ठीक है, अब जरा फंक्शन मेनली तीन काम के लिए होते हैं, ठीक है, बनता कैसे चलो अपन देखते हैं। आप लिखते हो फंक्शन, आप लिखते हो ABCD, ये फंक्शन है, तो इसको हम कुछ कहते हैं, हाँ इसका नाम है फंक्शन स्टेटमेंट। टोटल 6 स्टाइल्स हैं फंक्शन को बनाने की, 3 है ES5 मतलब पुरानी जावास्क्रिप्ट में और 3 है ES6 मतलब नई जावास्क्रिप्ट में। तो क्या हम सारी देखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखो
इस वीडियो का नाम है लर्न व्हाट मैटर्स। इट सीरियसली डजंट मैटर कि आपको सारे स्टाइल्स पता है नहीं, जो मैटर करता है वो है कि आपको फंक्शन पता है नहीं, राइट। मैं डेफिनेटली सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ अगर तुम लोग पूरा मांगोगे, बट अगेन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। लेट्स गो। तो फंक्शन ए बी सी डी प्रीटी गुड। सो फंक्शन ए बी सी डी हमने यहाँ पे एक बना लिया। तो कैसे सर आप ये थोड़ा सा मुझे समझाइए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। पहले पहला पॉइंट समझो, जब आपका कोड आप तुरंत नहीं चलाना चाहते, फ्यूचर में चलाना चाहते हो। मैं ये कोड तुरंत नहीं चलाना चाहता, बट देखो ये तुरंत चल गया, राइट। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आप एक फंक्शन बना लूँगा, हेलो बोलो, और ये कोड इसके अंदर मूव कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसोल लॉग हेलो। क्या वो तुरंत चला? नहीं। कब चलेगा? जब मैं बोलूँगा। कैसे बोलूँगा? जो इसका नाम है वो लिखो, ठीक है, और जो उसके ब्रैकेट्स हैं वो लगा दो, दैट्स इट। इससे क्या होगा? इससे वो फंक्शन चल जाएगा और आपका कोड भी, राइट। ओके, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जो भी कोड है वो पहले लिख दो, हाँ, और उसे बाद में हम चला सकते हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कोड लिखता हूँ, ओट्स खरीदो, ठीक है, पतीला चढ़ाओ गैस पर, ठीक है, लेट्स से पानी डालो एंड गैस ऑन करो, ओट्स डालो, ठीक है, एंड मिक्स एंड बॉइल, ठीक है, एट लास्ट ईट, दैट्स इट। तो ये वो कोड है जो मैं चलाना चाहता हूँ। अब मैं ये तुरंत नहीं चलाना चाहता, तो मैं इसको रख दूंगा फंक्शन में, ओट्स बनाओ एंड खाओ, दैट्स इट। मैं पूरा कोड इसके अंदर पेस्ट करूंगा। क्या वो तुरंत चला? नहीं। कब चलेगा? जब मैं लिखूंगा ओट्स बनाओ एंड खाओ, ऐसा। तब आप देखेंगे ओट्स खरीदा है, पतीला चढ़ाया है, पतीले पानी डाल दिया, ओट्स डाल दिया, मिक्स कर लिया और खा लिया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब अगले दिन खाना होगा तो क्या करेंगे? अगले दिन मुझे पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, फिर से मैं इसे रिपीट कर दूंगा, दैट्स इट। तब दो बार हो गया, राइट, फिर से रिपीट कर दूंगा, तीन बार हो गया, राइट, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो आप फंक्शंस के कोड को रीयूज कर सकते हो, एंड दैट्स अ गुड गुड थिंग। तो जब आपको कोड तुरंत ना चलाना हो तब भी फंक्शन यूज़ करते हैं, जब आपका कोड आपको बार बार रीयूज करना हो तब भी आप फंक्शंस का यूज़ करते हो। और अब आता है आखिरी पॉइंट, जब आप कोड चलाना चाहते हो हर बार विथ डिफरेंट डेटा, विथ डिफरेंट डेटा जिसके अंदर यूज होंगे पैराम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स गो। तो एग्जैक्टली होता क्या है, कहानी समझो। फंक्शन लेट्स से मैंने ए बी सी डी नाम रख दिया, कोई बात नहीं, सही है। मैंने ए बी सी डी से यहाँ से जब इसे कॉल किया तो इसमें एक वैल्यू भेज दी 12, मैंने ऐसे 12 भेजा तो वो 12 यहाँ पर रिसीव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ए लिख दिया या चाचा लिख दिया या जो मन में आए वो लिख सकते हो। ये क्या है? ये वेरिएबल का नाम है। तो ये वैर वाला वेरिएबल, हाँ वेरिएबल का नाम है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये ए वेरिएबल है, हाँ ये वेरिएबल है। तो इसमें वैल्यू गई? हाँ वैल्यू गई। कौन सी? 12, हाँ 12 गई, अच्छा ओके। तो मैं अंदर यूज़ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो ये 12 आपका क्या है ना, ए में गया, हाँ गया, और अंदर आपने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी तो प्रिंट हुई, हाँ हो गई, चेक करो, अच्छा ओके ठीक है। क्या मैं और वैल्यूज भेज सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। क्या वो भी यहाँ पे जाएंगी? हाँ बिल्कुल, और आप उन्हें प्रिंट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सी बढ़िया। तो हम इन्हें कहते क्या हैं, जो वैल्यूज आपने भेजी है रियल वैल्यूज, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या स्पेलिंग है? आर्ग्यूमेंट्स, राइट। जो यहाँ पे आपने वेरिएबल्स बनाए थे उन वैल्यू को होल्ड करने के लिए, उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, राइट, पैरामीटर्स। तो याद रखना आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में फ़र्क क्या है। आर्ग्यूमेंट्स रियल वैल्यू जो हम देते हैं फंक्शन चलाते वक्त, पैरामीटर क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनमें वैल्यू स्टोर
होती है आर्ग्यूमेंट्स वाली, राइट यह है डेफिनेशन। ओके प्रीटी गुड। तो यहां पर हमने एक ठीक ठाक लेवल ऑफ फंक्शन देखा। अगर तुम बोलोगे तो मैं एक अच्छा सा गेम प्रोजेक्ट डालना चाहता हूँ, इट विल बी मोर लाइक अ बबल गेम सॉर्ट ऑफ, यू विल लव इट, नो वरी यू विल लव इट, यू विल लर्न अ लॉट। तो अगर तुम लोग कहोगे तो ज़रूर मैं पोस्ट करूँगा, उसमें फंक्शंस यूज़ होंगे, लूप यूज़ होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ होगा एंड थोड़ा बहुत CSS यूज़ होगा, HTML यूज़ होगा। तो इफ़ यू वॉन्ट आई वुड लव टू पोस्ट इट हेयर ऑन YouTube। लेट्स गो अगला टॉपिक, दैट इज अरेज। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स गो अरेज। अरेज क्या है? अरेज जैसे समझो, हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, पर जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तब फिर यूज होता है अरे का। मतलब कि अरे आपको फ्रीडम देता है एक से ज्यादा वैल्यू यूज करने की, राइट right? मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वैरे बनाया, उसकी वैल्यू 12 है। आप क्या नहीं कर सकते? कॉमा 13। आप एक को दो वैल्यूज नहीं दे सकते, और अगर आप देना चाहते हो दो वैल्यूज तो आपको इसे ऐसे कवर करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अब ए क्या है? एक अरे है, ए एक अरे है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ए में दो वैल्यूज है, राइट right? तो अरे क्या होता है? अरे होता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अरे क्या है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज, दैट्स इट। तो मैं डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल ARR, ये अरे है, और मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख दिया। तो आप ये कर सकते हो, ये अरे है, राइट right? ओके okay. अब अरे के बेसिक्स समझते हैं जल्दी से। आप जब ARR बनाते हैं जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे ये बंदा जीरोथ इंडेक्स है, ये बंदा फर्स्ट इंडेक्स है, ये बंदा सेकेंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इसकी काउंटिंग कहलाती है। अरे को हम कभी भी 1 से काउंट नहीं करते, हम काउंट कैसे करते हैं? 0 से। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, 11 जो है वो जीरोथ इंडेक्स पे है, तो हम क्या लिखेंगे? ARR जो उसका नाम है अरे का, स्क्वायर ब्रैकेट 0। और इससे हम किसे टारगेट कर रहे हैं? 11 को। गुड। ARR 1 लिखने से हम किसे टारगेट करेंगे? 12 को। ओके मतलब 0 से शुरू होता है, हाँ 0, 1, 2, 3, 4। गुड। सो दैट इज अरे माय फ्रेंड, दैट्स इट। तो क्या आपको और भी कुछ पढ़ाना है? हाँ, मैं पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट पढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारी वो डबल डैश वाली वीडियो एक है, यू नो हाउ अरेज आर मेड बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि अरेज आर नॉट अरेज इन जावास्क्रिप्ट, दे आर समथिंग एल्स, एंड कैसे वो मैं सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, बट दैट्स द फ्यूचर वीडियो। तुम्हें पता है 10K लाइक्स, 1K कॉमेंट्स, विल मेक दैट। वाई वी कैन मेक नेगेटिव इंडेक्सेस अरेज इन GS? हम अरे में नेगेटिव इंडेक्सेस भी बना सकते हैं, और सवाल है कैसे, वो भी उसी वीडियो में बताऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सिनेरियोस रिलेटेड टू अरेज, वो भी मैं अगले वीडियो में ही बताना चाहता हूँ, राइट right? लेकिन पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट विच इज द बेसिक्स, लेट्स गो। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, ओके लेट्स गो। तो पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट एग्जैक्टली क्या है? इसके साथ कहानी ऐसी है, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट के साथ मैंने एक अरे बनाया, बन गया। इस अरे में एक एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ने के लिए होता है पुश। यू कैन सी वहां पे एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया, राइट 8। आपने इस अरे में एक एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ दिया, ठीक है। अब एक अरे को वापस नॉर्मल कर लो, राइट अरे से एक मेंबर हटाने के लिए होता है पॉप। आइए चेक करें, 7 हट गया, सी 7 हट गया, राइट ओके। अरे से अरे के शुरू में एक मेंबर ऐड करने के लिए होता है अनशिफ्ट, याद रखना अनशिफ्ट होता है वो। हमें ऐसा लगता है अनशिफ्ट शायद शुरू से वैल्यू हटाएगा, लेकिन नहीं, अनशिफ्ट शुरू में वैल्यू को जोड़ता है, राइट 0 हमने ऐड कर दिया शुरू में। और अरे से एक वैल्यू हटाने के लिए होता है शिफ्ट, और इससे क्या होता है? शुरू की एक वैल्यू हट जाती है। अब देखेंगे तो 1 हट चुका है,
राइट. सो दीज आर द बेसिक्स. पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, यू शुड नो देम. एक और बताऊँ, एक और बताऊँ जो लिस्ट में नहीं है, स्प्लाइस. ये भी बता दे रहा हूँ, काम आएगा. अगर अरे के बीच में से कहीं से कोई वैल्यू हटानी हो तो क्या करें? अरे डॉट स्प्लाइस. फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 को हटाना है तो गिनियस का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2. तो मैं कहूँगा सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू हटाओ. और मुझे स्प्लाइस को ये भी बताना होता है सेकेंड इंडेक्स से कहाँ तक, कितनी वैल्यूज़, मतलब वहाँ से कितनी वैल्यूज़, 1 वैल्यू. तो इससे क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू हटेगी, टोटल कितनी, 1. तो 1 कौन है, 3. तो 3 हट जाएगा. लेट्स सी, देखिए 3 हट चुका है राइट. अगर सर मैं 2 दे दूँ तो, हाँ तो फिर क्या होगा, 0, 1, 2. सेकेंड इंडेक्स से 2 वैल्यूज़ कितनी हुई, 3 और 4. तो ध्यान से देखिए 3 और 4 हट चुका है. प्रीटी गुड राइट. आई बिलीव आपको ये समझ आया. तो हमें अभी तक पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट एंड स्प्लाइस समझ आ चुका है. नाउ वी डूइंग गुड. अब हमें अरेज आते हैं. वी अंडरस्टैंड अबाउट अरेज, वी अंडरस्टैंड व्हाट अरेज आर, हाउ थिंग्स आर इन 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 द अरे राइट. अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज ऑब्जेक्ट्स, विच इज द, आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक ऑफ व्हाट यू शुड नो. इसके बाद शुरू होता है सबसे बहुत प्यारा प्यारा पार्ट, एंड दैट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट्स बनाना विद जावास्क्रिप्ट राइट. मुझे बताना तुम लोग सीखना चाहते हो या नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सिखाने में राइट. लेट्स गो. अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, और मेरे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, यू लव इट. लेट्स गो. ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली क्या होता है, सुनो. एक लाइन पढ़ते हैं पहले. एक बंदे की बात की तो हुआ अरे, आई एम सॉरी, एक से ज़्यादा बंदे की बात की तो हुआ अरे. एक बंदे के बारे में सारी बात की तो हुआ ऑब्जेक्ट. मैं समझ रहा हूँ, अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बस सुनो सुनो. मैंने बोला तुमसे भोपाल के सारे हर्ष, भोपाल के सारे हर्ष एक से ज़्यादा होंगे, दैट्स अरे. भोपाल के सारे कंप्यूटर सिस्टम एक से ज़्यादा होंगे, दैट्स अरे. भोपाल के सारे रूबिक्स क्यूब एक से ज़्यादा होंगे, तो एक से ज़्यादा रूबिक्स क्यूब होंगे तो हम इसे भी क्या कहेंगे, अरे. मैं तुमसे कहूँ भोपाल का हर्ष शर्मा जो शेरियंस कोडिंग स्कूल का फाउंडर है, अब एक है ये, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. सर मैं समझा नहीं अभी भी, मतलब ये तो समझ आ गया है कि अगर बहुत सारे हैं तो अरे एक है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक बंदे की डिटेल्स को होल्ड करना. आप एक इंडिविजुअल की डिटेल्स को होल्ड कर सकते हो. मैं समझाऊंगा. देखो कैसे, इन आ की वैल्यू पेयर. अभी भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीन देखो. हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ब्लैंक ऑब्जेक्ट. ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट्स गो. चले तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है, वेरिएबल बनाया और कर्ली ब्रेसेस.